देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी ओर सहारनपुर प्रशासन ने भी पूर्ण रूप से बाजार खोलने की अनुमति दे दी है। बाजार दाई ओर से खुले या बाई ओर से, लेकिन भीड़ पर कोई अंकुश नहीं लग रहा है। अब इसका कोरोना संक्रमितों की संख्या पर क्या असर पड़ेगा? क्या संक्रमितों की संख्या बढ़ेगी या फिर वहीं रुक जाएगी? यही कुछ सवाल लेकर हम आए हैं सहारनपुर की जनता के बीच। आइए बात करते हैं सहारनपुर की जनता से। सरकार ने अभी सहारनपुर प्रशासन ने हाल ही में फैसला लिया है कि सब तरह के बाजार खुले, तो वो कितना सही आपकी नजर में? देखिए, सही ही है, क्योंकि जब तक हम अपने बाज़ारों को नहीं खोलेंगे तब तक लोग काम पे कैसे जाएंगे और उनकी इनकम कैसे बनेगी। बेसिक तो इस समय सबसे बड़ा जो सवाल है वो इनकम का है। लोगों के पास इनकम, सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई एड नहीं है उन लोगों को, जो ख़ास तौर पे व्यापारी हैं उनके लिए गवर्नमेंट के पास कोई एड नहीं है। जिनकी EMIs बंद हो गई हैं बैंक से, वो EMIs कैसे भरेंगे? देखिए, थोड़ा सा प्रभाव तो पड़ेगा, पर लोग अवेयर हैं। मैं इस चीज़ को लेके देख रहा हूँ, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो निकलते हैं। लोग अवेयर हैं, अब पहले के बनिस्बत काफ़ी अवेयर हैं। धीरे धीरे थोड़े थोड़े लोग जैसे जैसे बाहर निकलेंगे वो उसी हिसाब से ढलेंगे भी उस रूप में। देखिए, एक दफ़ा तो संख्या बढ़ेगी, बाकी तो ज़्यादातर तो देखिए तो कोई डॉक्टर बता सकता है कि इसका ज़्यादा प्रभाव क्या पड़ेगा। तो जैसा कि आपने बोला लोग अवेयर हैं, तो आप बाहर निकलते तो आप क्या सावधानियाँ बरतते हैं बाहर? मेनली देखिए मैम, एक तो सैनिटाइज़र हम लोग रखते हैं अपने पास, मुंह कवर कर रखे रखते हैं, और जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो उससे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचते हैं हम लोग। ज़्यादा सही तो है नहीं, है ना? सरकार ने तो अपना बिजनेस कर लिया, एक महीना पहले रेलगाड़ी भी चला ली, बैंक भी खोल दिए, सब कुछ खेल दिए, हम कहाँ से क्या करेंगे बताओ? और सरकार ये कह रही अपना स्टेडियम खोल के बैठ गई अपने अफसरों के लिए, जिम बंद किए हमें, क्यों? आपका घूमना फिरना क्यों चालू है, हमारा क्यों चालू है फिर मैदान में? अगर बॉडी, अगर आपकी बॉडी से आप एक्सरसाइज करोगे तो टॉक्सिन तो बॉडी से बाहर निकल के जाएंगे जाएंगे ना, तो क्यों नहीं काम होगा? तो सर, दुकानें खोलना गलत है या दुकानें लेट खोलना गलत? नहीं, दुकानें जब आपको बिजनेस, आपको हमें कुछ देना तो है नहीं इन्होंने, इन्होंने तो अपने आदमियों को देना है। इनके लिए तो जो सरकारी आदमी है वही फर्स्ट क्लास हैं, वही इनके दामाद हैं। काम कर रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं कर रहे तो भी ठीक है, हम कहाँ से खाएंगे? तो आम जनता के लिए फैसला नहीं गलत है, क्योंकि उनको जैसे साथ साथ में इनको लॉकडाउन के साथ साथ में कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत सारी चलने देनी चाहिए थी। जैसे सारी दुकानें खुलनी चाहिए थी। मुझे बताओ ना, अगर ये मजदूर अपनी जगह पर टिके होते, काम कर रहे होते, तो आज ही प्रॉब्लम आती ना, उनको तनख्वाह मिल रही होती। मेरी बात सुनो, आपने 171 में तो पूरी कंट्री लॉकडाउन कर दी, और जब डेढ़ लाख पेशेंट हो गए तब आप लॉकडाउन खोल रहे हो, तो ये क्या तरीका है? मतलब नहीं, ये मेरी बात सुनो, नहीं तो आप लोगों को जब आज समझा सकते तो उस टाइम पर समझा सकते थे। आपके बहुत सारे लोग खाली बैठे हैं, कोई काम नहीं करे, टीचर सारे खाली हैं, उनको कहते हैं एजुकेट करो ना भैया लोगों को, क्यों घर में बैठे हैं 4 महीने से तनख्वाह ले रहे हैं? तो सर, संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है? वो तो अभी भी होगी, जब इनके पास वैक्सीन नहीं है, इनके पास कुछ है नहीं है, इनके पास जगह ही नहीं है पेशेंट रखने की। तो फैसला गलत है आपकी नज़र में? कौन से वाला? नहीं, लॉकडाउन खोल, ये कमर्शियल एक्टिविटीज चलने दें, लोगों को एजुकेट करें। वो कैसे हो सकता है सर? आप जैसे मेरी बात सुनो, इन्होंने बीच में लोगों ने रोका कि यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, उस टाइम 5-5 मिनट लेक्चर दे देते ना खड़े होके कि ये लो मास्क पहनो, आपको ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं एजुकेट होते लोग? सही रहता। सरकार का अपना काम जब खराब हो गया, जब उनको GST आई नहीं तो क्या हुआ फिर? उनकी भूख भी बंद हो गई थी, उन्होंने सबसे पहले कौन कौन सा काम किए? गाड़ियां क्यों चला दी? गाड़ियां आज हमने अपनी आंख से बस देखी है, हमारे जहां हम रहते हैं वहां से बसें निकलती हैं जयपुरम में, एक सीट पर 3-3 आदमी बैठे हुए थे। तो वहाँ पे पुलिस प्रशासन नहीं, तो चलती बस में मेरे को बताओ कौन देख रहा है? वो तो बस टर्न करी हमने देख लिया, भाई जा रही है हरियाणा रोड्स की बस। तो क्या चाहते हैं सर आप? नहीं, ये एक्टिविटी सारी बेटा, ये सारी एक्टिविटी चलनी चाहिए थी। इनको मजदूरों को ये समझाते, आप अलग अलग हो जाओ, थोड़े सेपरेट हो जाओ, आप काम करते रहो, और नहीं तो ये वापस ही ना जाते। अगर ये लोग अपनी नौकरी पे लगे रहते तो आज ये तो आज प्रॉब्लम कोरोना से हटके मजदूरों की प्रॉब्लम हो गई सरकार के लिए। तो सर,
मतलब अगर एक घंटे सुबह हम टीवी देखते हैं तो उसमें 45 मिनट मजदूरों पे बात होती है और 15 मिनट उस पर होती है, तो सारा वो जो आप जिसके लिए आपने लॉकडाउन लगा वो सारा आपका विचार ही खत्म हो गया हुआ है। तो क्या फ़ायदा होगा बेटा, क्या फ़ायदा होगा मुझे बताओ ना आप, कि आप बैठे में स्कूल को स्कूल खुले नहीं किताबें भेज दो जी जी है, स्टेडियम खुले हुए हैं वहाँ वो नहीं होने चाहिए, दर्शक नहीं होने चाहिए, इस बात का क्या फ़ायदा, दुकानें खोल लो पेशेंट वापस ग्राहक नहीं होने चाहिए, क्या करेंगे फिर हम लोग। ठीक ही कह सकते हैं, देखो ज़रूरत तो सभी को है ना, इसलिए मेरे हिसाब से जैसे प्रशासन ने लेफ्ट एंड राइट वाला सिस्टम रखा बहुत अच्छा है, इससे एक तो पब्लिक भी कम रहेगी और सबको सुकून सा रहेगा। तो सर उसके बाद भी भीड़ इतनी कम नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, इसमें तो थोड़ी शक्ति होनी जरूरी है, शक्ति होनी चाहिए, तो इससे संक्रमितों की संख्या पर कितना असर पड़ेगा आपके हिसाब? संक्रमितों की संख्या तो दिन पे दिन बढ़ रही है, जहाँ भारत 26वें नंबर पे था आज मेरे ख्याल से 10वें नंबर पे है ना, तो ये तो दिन पे दिन बढ़ ही रही है। तो आपको क्या लगता है कि कैसे रोक लगा सकते हैं, क्या करना चाहिए? ऐसे प्रशासन तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, बट जैसे हमें दूरी बना के रखना, अपने हाथों को बार बार धोना और खाने पीने की चीज़ें जो है बाज़ार से नहीं लेनी, अपने घर पे ही बनाओ, घर पे खाओ। अब जैसे हम हस्बैंड वाइफ हैं कम से कम 1 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अभी थोड़ा सा ये है जो कि गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, वो अपना काम पे पहुंच पाएंगे और जिससे कि थोड़ा सा उन्हें अपने रोज़गार के लिए घर के लिए आजीविका की उपलब्ध मिलेगी। नहीं संख्या तो बढ़ेगी लेकिन थोड़ा थोड़ा लोगों को राहत मिलेगी तो अपने काम में लगेंगे, अब भुखमरी का दौर आ जाएगा, नहीं तो फिर देश में जो आर्थिक व्यवस्था है पहले से डूबी हुई है, अब सरकार कितने लोगों के लिए बंदोबस्त करा सकती है, आप खुद सोचो, खुद अपने आप आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और उसके लिए तो हमें खुद ही अपने सहयोग करना पड़ेगा और सोशल डिस्टेंस का भी पालन करना पड़ेगा, जिससे कि हम आने वाले जो फ्यूचर है उसमें अपनी जो देश की व्यवस्था है उसको अपना योगदान दें। तो आप क्या क्या सावधानी बरत रहे हैं? हम अपना मास्क लगा के जा रहे हैं और कहीं पे अगर अर्जेंट है हमें तो तभी बाहर निकल रहे हैं, अभी हमें ATM से पैसा निकालना था इसीलिए हम ATM आए थे, नहीं तो बिना कोई किसी वजह से घर से बाहर ही नहीं आ रहे हैं। हम सरकार को ये देना चाहेंगे जिससे कि जल्दी से जल्दी कोरोना के ऊपर जो परीक्षण चल रहे हैं उनका जल्दी जल्दी प्रयोग किया जाए जिससे कि वो आम लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, क्योंकि आम लोगों के लिए एक हर शहर में हर एक छोटे कस्बे में सुविधाएं मुहैया कराई जाए जिससे कि उनका परीक्षण हो सके और उनसे पता लगे कि कितने मरीज बढ़ रहे हैं और कितने घट रहे हैं और कहाँ पर क्या है, जहाँ पर ग्रीन जोन है वहाँ पर राहत दी जाए, अपना काम किया जाए लोगों को। इसमें कोरोना संक्रमितों की तो संख्या बढ़े या ना बढ़े लेकिन प्रशासन का जो रवैया है बाजार में वो ठीक नहीं है, कुछ दुकानें जैसे बंद हैं कुछ खोली जा रही हैं लेकिन नियमों का पालन नहीं हो रहा है, जो दुकानें बंद हैं वो भी दुकानों के बाहर बैठे हैं और दुकानों के ही बाहर भीड़ बढ़ा रहे हैं, अगर भीड़ घटानी है तो सख्त कार्रवाई हो, कम से कम जिनकी खुलनी है वही हो और फालतू कोई आदमी बाजार में ना घूम रहा हो, जब तक किसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी, किसी का चालान नहीं कटेगा, जुर्माना नहीं होगा, लोग नहीं सुधरेंगे और अगर यही हालत रही तो कोरोना संक्रमित मरीज बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और तब स्थिति संभाल पाने में शायद प्रशासन नाकाम होगा। डिसीजन गलत नहीं, डिसीजन सही था लेकिन उसका पालन गलत है, नियमों का पालन नहीं हो रहा है कहीं भी, हर दुकान पर जाके देखो 10-10 लोग खड़े हैं, आप यही नज़र घुमा के देखो कितनी भीड़ है, सभी दुकानों को बुरा हाल है, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं हो रहा है, कुछ लोग फंसे हुए हैं वो कर रहे हैं तो उन्हें कोई पूछता नहीं और जो नहीं कर रहे उनके मौज है, पुलिस पैसा बनाने में लगी हुई है। वैसे तो सही तो है लेकिन ये गलत बहुत ज़्यादा है, पहले तो 24 घंटे में 50-100 मिलते थे और अब 6-6 हज़ार मिल रहे, तो बढ़ोतरी ज़्यादा होगी अब पहले थी। सर आपको क्या लगता है, गलत है? गलत है, इतनी छूट नहीं देनी चाहिए जितनी दे दी गई। कैसे रोका जा सकता है कि बाजार भी खुल जाए और भाई बाजार भी खुले और ये क्या नाम पब्लिक भी रुके, जैसे आज इलेक्ट्रिशियन की बिजली की सामान की दुकानें खुली हैं, ये मिठाई विठाई की खाने की सब बंद करनी चाहिए और ख़ास चीज़ों की जो सामान की दुकानें खुलनी चाहिए और वो भी दिन रखा जा कि उस दिन वो खुलेगी उस दिन वे खुलेगी। देखिए सही तो है क्योंकि बिकॉज हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं रोज़ के रोज़,
और सारे शॉप्स बंद भी नहीं कर सकते क्योंकि जो शॉप्स हैं उनको भी भारी नुकसान हो रहा है, आगे उनको भी पेमेंट करनी होती है, ठीक है, और हमारे को जो रोज़ का सामान है वो भी खरीदना होता है, तो परमानेंट तो बंद नहीं रह सकते, तो थोड़ा तो खोलना ही था, तो आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप। जी प्रभाव पड़ेगा ऑब्वियसली, हर एक पहलू के दो साइड होती हैं, ठीक है, अच्छी भी और बुरी भी, तो ये बुरी साइड है, बट इसमें तो कुछ नहीं कर सकते ना हम, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है, कहीं कभी ना कभी तो खोलना ही पड़ेगा, आखिर कब तक बंद करेंगे, क्योंकि ये कोरोना जाने वाला नहीं है, इलाज नहीं मिला इसका, तो ये कभी ना कभी खोलना ही, तो अब खोला है तो अब ये अब आम आदमी लोगों के हाथ में है कि वो कितना 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 अच्छे तरीके से रहते हैं, कितना सेफली अपने आप को रखते हैं, कितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। खोलना चाहिए लेकिन पार्शली खोलना चाहिए, पूरा नहीं खोलना चाहिए, पूरा नहीं खोलना चाहिए, नहीं। तो इससे संक्रमितों की संख्या में क्या प्रभाव पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ेगा, लोग ना समझ है, मानते नहीं है, भीड़ लगा के चलते हैं, चार चार लोग बैठते हैं, क्या करना चाहिए इससे संक्रमितों की संख्या भी ना बढ़े और बाजार कमी हो? पार्शली खोलना चाहिए, डेट वाइज, शिफ्ट वाइज, लेफ्ट राइट। देखिए सरकार तो काफ़ी हद तक अपना काम कर चुकी है, लोगों को सचेत भी कर चुकी है, अब तो लोगों पर ही डिपेंड करता है कि वो अपना ध्यान रखें, क्योंकि बाजार को बहुत लंबे समय तक तो बंद नहीं कर सकते हैं, एक टाइम पर तो हमें खोलना ही पड़ेगा, तो आई थिंक अब हमें अपना ध्यान खुद रखना चाहिए। तो आपको लगता है सरकार का फैसला सही है? कुछ हद तक मैम फैसला तो लगभग सही है, क्योंकि आज हर आदमी को पैसे की जरूरत है कहीं ना कहीं, लेकिन यह है कि आदमी खुद की जिम्मेदारी समझेगा, दूरी बना के रखेगा तो ही ज़्यादा बेटर होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं। अगर आप दूरी नहीं बना के रखेंगे, एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे तो बढ़ेगा बढ़ेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता, वो दुनिया को हर एक आदमी को पता है कि कोरोना किस तरह से फैलता है, अगर खुद की सेफ्टी नहीं रखी जाएगी तो कोई बेनिफिट नहीं है किसी भी तरह का। मैम 50%, लेकिन जैसे आज कंडीशन है बता सकते हैं मास्क कि मार्केट में बड़ी चहल पहल हो गई है, बिल्कुल होना, उसका फ़ायदा क्या हुआ? पूरी लॉकडाउन कोई वो नहीं हो रहा है, एक ही दुकान में इतना रश है, नकासे में देखेंगे अगर आप, या आप चौकीसराय पर आ जाएँ उस साइड ना, फुल रश है, लॉकडाउन का जैसे होता है ना, खोल पहले इतनी सकता ही थी, लेकिन फिर इतनी ढिलाई हो गई है अब कि लोग पालन नहीं हो रहा है आज, सड़कों पर इतनी भीड़, बहुत रश है मैम, बहुत रश है। देखो अगर जनता के हिसाब से देखें तो छूट देना भी आवश्यक था, लेकिन जो महामारी है उस महामारी के हिसाब से ये छूट देना, क्योंकि भीड़ अपने आप में काबू नहीं रख पाती, और कोरोना बीमारी जो वो फैलने से होती है, तो कहीं ना कहीं तो नियंत्रण करना पड़ेगा ना, छूट भी देनी पड़ेगी, नियंत्रण भी करना पड़ेगा, तो वो दोनों चीज़ एक साथ कैसे हो सकती है? एक साथ तो नहीं हो सकती, लेकिन गैप में रख करके तो छूट भी साथ जा सकती है ना।